दलालों को, बिचौलियों को, भ्रष्टाचारियों को, इनको सबको समाप्त किया है। अब मेरा इतना ही आपसे कहना है कि जिस प्रकार का एक मेहनत का एक परिचय आपने दिया है, जिस प्रकार का संकल्प, जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय और जैसे आपने अपने काम को बखूबी मेहनत करके किया है, वही काम अब दोबारा से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में आज हरियाणा के अंदर संयोग से हमने बाकी सारी बातों पर तो निदान उनका कर दिया, समस्याओं का हल पा लिया है। कहीं कहीं छोटी मोटी बातें, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, बिजली हमने 3,500 गांव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। पानी भी जितना हमारे पास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तेल तक पानी पहुंच जाए, हर किसी को खेत का पानी मिल जाए, ये हमने किया है। पानी पहुंचाने के लिए चाहे नालियां हैं, चाहे नहरें हैं, माइनर हैं, उनके लगातार काम शुरू कर दिए हैं। जिन गांवों में पीने का पानी नहीं पहुंचता, वहां के वाटर वर्क्स, वहां के नाली के द्वारा पानी किसे वाटर वर्क्स भर जाए, ये सब हम कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे काम बाकी बचे हैं, वो इन 3 महीनों में पूरे होने वाले हैं। आने वाला 5 साल का जो टाइम है उसके अंदर लोगों के लिए सुरक्षा, इसकी पूरी व्यवस्था हमने पहली बार 4.5 साल में मित्रों 18,000 भर्तियां पुलिस में, 12-13,000 हो चुकी हैं, 5,000 भर्तियां भी निकलने वाली हैं पुलिस की, इसी महीने निकलने वाली हैं। ग्रुप डी की भर्तियां, जिसके बारे में हमारे कुछ मित्र भी बैनर लेके खड़े थे कि हमारी वेटिंग लिस्ट को पूरा किया जाए, 1 साल के अंदर अंदर जितनी सीटें खाली रहती हैं, पिछली जो खाली दिखाई गई थी उसमें कोई ज्वाइन नहीं करता तो उनको भर्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। ये 4,000 लोगों में से मुझे लगता है 2-3,000 लोग तो उसी में आ जाएंगे और नई 20,000 भर्तियां ये इस अगले सप्ताह के अंदर फिर एडवर्टाइजमेंट होने वाली हैं, 3 महीनों में भर्तियां भी करके दिखाएंगे। और भर्तियों के लिए एकदम मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। योग्यता के आधार पर जिसके जो पढ़ाई लिखाई करके आगे पहुंच गया है उसको नौकरी सबसे पहले मिलेगी। मजाक में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आज मैंने एक बात सुनी। क्या सुनी? कि दादा पोता बात कर रहे थे आज से 5 साल पहले, तो दादा पोता ने दादा को कहा कि दादा मेरी नौकरी नहीं लगी, सरकार ने नौकरी नहीं लगाई। तो दादा कहता बाबू क्या बेटा क्या करूं, ये सरकार निकम्मी है। तो 5 साल पहले ये कहता था, आज वही दादा पोता बैठ के खाट पर बात करते हैं, पोता कहता है दादा मेरी नौकरी नहीं लगी, दादा पता क्या कहता है, दादा कहता है बेटा अब सरकार तो ठीक है, तू ही निकम्मा है। क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई के बारे में हर प्रदेश के, चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, हमारा महिला है, पुरुष है, सबको पता लग गया कि जो बच्चा पढ़ लिख करके आगे निकलेगा उसी को उसकी नौकरी मिलेगी। और ये मैं इस बात का संतोष है कि नौजवान हमारा पढ़ाई के लिए आगे बढ़ गया है। आज कोचिंग सेंटर भर गए हैं, लोग पढ़ाई के लिए आगे निकल गए हैं। प्रदेश का भविष्य, युवाओं का भविष्य ये सुधरने के लिए ये सब काम हम कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष में स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, इसके ऊपर इतना ध्यान देंगे कि मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल के बाद ये हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे सरकारी अध्यापक, ये भी अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में भेजेंगे, नहीं दाखिला मिला तो जाके प्राइवेट जाएंगे। उसके लिए हमको स्कूलों का स्तर ऊंचा करना है, स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करनी है, वहां की बिल्डिंग ठीक करनी है, वहां के रास्ते स्कूल तक पहुंच जाए वो ठीक करने हैं, वहां पर शौचालय हो जाए, वहां पीने का पानी हो जाए, अध्यापकों की कमी उसको पूरा कर दें। और अध्यापकों का स्तर सुधारने के लिए उनके भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे। जो अध्यापक ठीक पढ़ाएगा नहीं उसको कहेंगे भाई तुझे और कोई काम देते हैं, इन बच्चों का भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको और कोई काम दे देंगे। काम बहुत है सरकार के पास, हटाएंगे नहीं किसी को, लेकिन काम तो दूसरे ले ही सकते हैं ना। लेकिन बच्चों का भविष्य सुधरे, अच्छा पढ़ाने वाला अध्यापक स्कूल में पढ़ाई के काम आएगा, जिसको पढ़ाना नहीं आता उसको भैया और कोई रास्ता दिखा दे। साथ ही जहां मैं जा रहा हूं तो किसी ना किसी एक वर्ग के लोगों से, खास करके कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो वर्ग होता है उनसे बातचीत होती है। आज उसमें हमारा ये जो भट्ठा उद्योग है, ब्रिक लेन इंडस्ट्री, ज़्यादातर भट्ठे जो हैं वो झज्जर ज़िले में ही हैं। लगभग 35-36 लोग यहाँ आए थे झज्जर ज़िले के, और उन सब से उद्योग से संबंधित कुछ बातें, उनके कुछ सुझाव, उनकी कुछ समस्याएं, वो सब उन्होंने रखी हैं।
प्रसन्नता की बात तो यह है कि आज से 2 साल पहले नई टेक्नोलॉजी, जिग-जैग टेक्नोलॉजी लगाने की जो बात आई थी, उस समय पटा उद्योग को काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन चूँकि वो एक सरकारी आदेश इसलिए निकाला गया था कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट जो एक प्रॉब्लम पॉल्यूशन की है उसको ठीक कैसे किया जाए, दिल्ली नज़दीक है, गुड़गांव नज़दीक है, तो NCR की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही थी, तो उस समय एक कंडीशन लगाई गई थी कि जिग जैग टेक्नोलॉजी पर ये लोग आए। उस समय थोड़ी कठिनाई ज़रूर दिख रही थी, लेकिन आज सब लोग प्रसन्न हैं कि उसके ऊपर सारे बट्टे जिग जैग पर आ गए हैं, और उस जिग जैग के कारण से इनको उद्योग की भी सहूलत हुई है। इनकी जो प्रोडक्शन है वो पहले 70% के आसपास प्रोडक्शन होती थी जितनी ये ईंटें लगाते थे, और आज 82% इनका जो ईंटों का जो रिटर्न है वो इनको मिलता है। तो 12% का लाभ हुआ है, इसमें उद्योग का भी लाभ हुआ है, तो मैं समझता हूँ इनका जो किया हुआ खर्च है उस 12% में बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और भी जो इनकी कठिनाइयाँ हैं, कुछ पावर की कठिनाई इन्होंने बताई है, लेबर की कठिनाई बताई है, इस प्रकार के कुछ इश्यूज आए हैं, उन इश्यूज के ऊपर जितना ध्यान देने लायक बात होगी वो ज़रूर उनका ध्यान कराएंगे। ठीक कहा आपने कि हरियाणा की सभी 10 सीटों में तो एक ऐसा फुटबॉल का मैच था या क्रिकेट का मैच था कि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, ऐसा ही था, लेकिन ये किला गिराने जैसी बात थी। तो हमने किला ध्वस्त किया है और इसका अपना एक आनंद है, तो वो आनंद आया है। हमारी अपेक्षा अब ये है कि जनता को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और ज़रा अपनी सरकार की उपलब्धियाँ, हमारी आगे की योजनाएँ वो सब हम बताएँगे, और आगे आने वाले चुनाव में झज्जर ज़िले की 4 सीटें हैं, चारों की चारों हम जीते हैं, इसका हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आपने जितने भी इश्यूज़ आते हैं हम एक एक इशू के ऊपर डिटेल्ड अपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी अभी मीटिंग हुई है कि स्वच्छ पानी पीने का ये कैसे पहुँचाया जाए, चाहे शहर हैं चाहे गाँव हैं। इरीगेशन की ओर से तो पानी की सप्लाई वो पर्याप्त हो गई है, लेकिन स्वच्छ पानी दिया जाए और फिर पानी के साथ साथ जो बाकी उस पानी का उपयोग भी ठीक से हो। इरीगेशन के माध्यम से भी हमने योजनाएं बनाई कि उसका समुचित उपयोग हो, वेस्ट पानी ना जाए, और जो पानी वेस्ट हो गया है उसको कैसे रीयूज़ करने का जो कार्यक्रम है वो भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं, ताकि पानी का अच्छा उपयोग हो, बार बार उपयोग हो, ज़मीन का पानी कम से कम निकाला जाए, ताकि जो लेवल गिरता जा रहा है इससे इस समस्या से हम निजात पाएँ। तो इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान है। वो समय था कभी रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद विषय आया कि सड़क पानी और बिजली, अब उनसे ऊपर यह आया है कि सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा, इन चीज़ों पर ध्यान देने की अब आवश्यकता है, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान। पहले योजनाएं हैं जो ऐसे विद्यार्थी जो जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस तो प्राय सब जगह ही माफ़ है, लेकिन एक्स्ट्रा कोचिंग की भी व्यवस्थाएँ गरीब बच्चों के लिए पहले से बनी हुई हैं, और जितनी मांग आएगी, डिमांड आएगी, उसको पूरा करेंगे। इन चीज़ों पर सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी।